क्या खलनायक 2 में लौटेंगे संजय दत्त अपने पुराने डेविल लुक में, और कौन है वो एक्ट्रेस जो अब की बार हमें खलनायक 2 के न्यू कास्ट में दिख सकती हैं? इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी हमारे इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहे हमारे साथ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पॉलीग्राफ स्टूडियोज में। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जल्द ही खलनायक 2 रिलीज होने वाली है बड़े पर्दे पर। ये एक रोमांस एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है जिसमें संजय दत्त मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। फिलहाल संजू बाबा के तमाम फैंस के लिए मैं खुशखबरी लेकर आ गई हूँ। संजय दत्त हमें जल्द इस मूवी के सीक्वल में दिखेंगे और इसकी शूटिंग भी उन्होंने 2022 के एंड से शुरू करने का फैसला किया है। और अगर बात की जाए फिल्म के डायरेक्शन की, तो इस बार कबीर खान खलनायक 2 को डायरेक्ट करते हुए दिखेंगे। अब हम बात करते हैं खलनायक 2 के आने से क्या हमें हमारे पुराने संजय दत्त मिलेंगे या नहीं इसके बारे में, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं एक बार फिर से संजू बाबा का वो डेविल अवतार दिखने वाला है जो हमें खलनायक पिक्चर में देखने को मिला था। यहाँ आपने बिल्कुल ठीक समझा, फाइनली संजय दत्त नेगेटिव किरदार में दिखने वाले हैं खलनायक 2 के जरिए। इसी के साथ मैं आपको बता दूं फिल्म को लेकर फैंस काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और संजू बाबा विल बी बैक इन हिज खलनायक लुक। ये पोस्ट शेयर करते हुए फैंस ने लिखा तो संजू ने भी खुशी जाहिर करते हुए उन्हें कहा थैंक्स बिड़ू लोग। इतनी सारी बातों के बीच मैं आपको फिल्म के कास्ट से जुड़ी जानकारी तो देना ही भूल गई। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं एक तरफ संजय दत्त जहां खलनायक 2 में मुख्य भूमिका में नजर आएंगे, तो वहीं सेकंड लीड के लिए अनन्या पांडे को कास्ट किया गया है। इसी के साथ अजय देवगन भी फिल्म में एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर प्ले करते हुए दिखेंगे। मतलब साफ है इन तीनों का ट्रायो इस फिल्म में देखने को मिलेगा। अब ये मल्टी स्टारर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल दिखाती है ये तो हमें पिक्चर देखने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल आप हमें कमेंट में जरूर बताएं आप खलनायक 2 के लिए कितने एक्साइटेड हैं। तब तक के लिए मुझे यानी अपर्णा मत्स को दीजिए इजाजत। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।